हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन ओमेगा रूबी डेल्टा एपिसोड्स, जहाँ पे जब पिछली बार हम लोगों ने यार हरा दिया था द सुटोपोलिशन वॉलेस को। एंड यस, आज का गाइजर हम जाने वाले हैं यहाँ से दोस्तों सीधा स्काई पिलर की तरफ। जी हाँ गाइजर, फाइनली जो है हम गाइजर स्काई पिलर की तरफ जा सकते हैं। सो फिलहाल के लिए कैसे ना यहाँ से मैंने वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने कैसे हीलिंग भी करा दी है अपनी बोल्ट की। लास्ट टाइम कैसे थोड़ा सा डाउन हुआ था क्योंकि यार लास्ट टाइम के बैटल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, उस वजह से जो है गाइजर थोड़ा सा डाउन हो चुका था। ओके सो यस गाइजर, हम आ चुके हैं रूट 131 की तरफ एंड लेट्स गो। ओके स्काई पिलर की तरफ हम आ चुके हैं। ओके ये रही जीनिया, शुक्रिया उसके लिए। ओके ताली बजा रही है। यस, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है ध्रुव, आई रियली फील इट राइट हियर। सिंस कि तुम एक अच्छे बॉय हो, आई गेस कि हम यहाँ पे भी आगे तरफ जा सकते हैं। ओके देखो जो पेंटिंग्स इस वॉल के टावर के ऊपर कवर है। हाँ यार मुझे भी दिख रही है। सो ये है हिस्ट्री है ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ अ पोकेमोन और नेचर इटसेल्फ। ये कहानी बताती है जो पास डाउन हुई थी बाय माय इंसेक्टर्स मेरे ड्रैगोनॉइड्स फॉर द थाउजेंड ऑफ इयर्स, और अब ये मैं हिस्ट्री तुम्हारे ऊपर पास करती हूँ। ओके हजारों सालों पहले एक प्राइमल एज जो लॉन्ग लॉस्ट थी, वर्ल्ड ओवरफ्लो हो रहा था नेचुरल एनर्जी से। ओके काफी ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स हैं यार यहाँ पे। प्राइमल ग्रोडाउन एंड प्राइमल कायोगर अपने आप में लड़ रहे थे उस एनर्जी के साथ एंडलेस अपनी इंफ्यूरियस रेज में। जब प्राइमल ग्रोडाउन और प्राइमल कायोगर ने की ग्रेट पावर फेस कर दी, पीपल उसके सामने टिक नहीं पाए। जो ओनली चॉइस थी उन लोगों के पास इस डिजास्टर को खत्म करना कुछ भी नहीं थी। यस, वो टाइम काफी ज्यादा खत्म का खराब था जब मीटियोराइड्स डार्क ऑफ द स्पेस में हर जगह से इवन फ्रॉम द हेवंस आ रहे थे, और वो मीटियोराइट्स बार बार लगातार वाटरफॉल की तरह यहाँ पर गिर रहे थे जो कि घर है ड्रैगन टाइप पोकेमोन यूजर्स का। ओके ये रही थी, ये है हमारे कहानी का पहला चैप्टर, यही पे समाप्त होता है। मैं तुम्हें अगला चैप्टर नेक्स्ट फ्लोर पर बताऊंगी, मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। ओके गाइज यार यहाँ पर अभी थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा सा ये हो गया था, बट कोई बात नहीं है, यहाँ पर अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ और देखते हैं गाइज यार अभी क्या और कहानी हमें सुनने मिलने वाली है। ओके ओके तो तुम यहाँ पे आ जाओ। ओके तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो फाइनली अभी टाइम है चैप्टर टू का, चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में यस तुम थ्रिल हो जाओगे। ओके मीटियोरॉस ने दिखाया उस रेनबो ब्रिलियंस की, शायद वो एक ग्रेट लाइफ वेल्ड कर रही थी। जब हमने वो देखा कि वो ड्रॉन हो रही है ब्रिलियंस से, वो पोकेमोन और वो शोर हो चुके हैं ब्लेजिंग एमरल्ड ड्यू डिसेंडेड फॉर्म, और वो कौर को ही नहीं रेकवाजा था। रेकवाजा के पावर ने उन दो प्राइमल पोकेमोन को शांत करा दिया अपनी अपनी दुनिया में। ओके जो लोगों ने इस वजह से होवेन को रेकवाजा को होवेन का द ट्रू सेवियर कहा। हजारों सालों बाद वो मीटियोराइड फिर आ रहा है, वो एक बड़ा मीटियोराइड और काफी ज्यादा बड़ा है। वो प्लैनेट में स्टक हो चुका है और वो ओशन की तरफ बढ़ रहा है, और वो ओशन का और कोई नाम नहीं है सुटोपोलिस। यह सुटोपोलिस में की तरफ ही आ रहा था वो। ओके सो ये रहा हमारे का कहानी का सेकंड चैप्टर, खत्म हो चुका है। ओके यहाँ से अभी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, बट अभी और भी कहानी बाकी है। ओके तो अभी भी गाइजर और भी कहानी बाकी है, बट यार ये हमें शायद कहानी सुनाते सुनाते ना गाइज इस टावर को भी गाइजर क्लाइम करना सिखा रही है। ओके तो हम अभी पहुंच चुके हैं एक अभी बेस्ट पार्ट पे कहानी के। सुटोपोलिस बॉर्न हुई थी एक ग्रेट मीटियोराइड स्ट्राइक से। वो ग्रेट मीटियोराइड और फर्स्ट था ऑफ मेनी डिजास्टर्स टू बीफॉल ह्यूमैनिटी। जब वो पंच हुआ इस प्लैनेट में, एक लैंड क्रैक हुआ और एक ग्रेट वेलिंग ऑफ नेचर एनर्जी उस बिनेत होवेन से निकली। थ्रस्टिंग ऑफ दैट एनर्जी प्राइमल कायोगर और प्राइमल गॉर्डन फिर से उठ गए। लोगों ने एक और विश की हजारों सालों पहले जैसे। वो विश थी कि लेजेंडरी पोकेमोन एमराल्ड उस लाइट से फिर दोबारा से आ जाए। वो एक बड़ा मीटियोराइट जो सुटोपोलिस की तरफ आ रहा है,
वो एक ब्रिलियंस रिसेंबल एक वास्ट एक पावरफुल कीस्टोन है। और वंस अगेन रेक्वाजा ने फिर से अपनी एंट्री हेवन से करी। लोग उसके सामने झुक गए और रेक्वाजा के सामने एक विश मांगी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि वोन ने लेजेंडरी पोकेमोन के साथ बदलाव देखे, वो एक एनवलप एक ब्लाइंडिंग लाइट थी और वो लाइट बिहेल्ड हो रही थी रेक्वाजा के सारे के सारे साथ नॉलेज के साथ एक सबलाइन फिगर एक इनकैसेंट डिसेंट वर्क विद ओवरवेलमिंग लाइफ फोर्स। ओके सो रेक्वाजा की ह्यूमैनिटी की इच्छा से एक रेक्वाजा ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इन द फेस ऑफ अ रेनबो। यस वो विश एक इनटैमिजिबल थिंग है और वो इनविजिबल भी है। अगर तुम्हें उस पोकेमोन के साथ विश करना है तो उस लेजेंडरी पोकेमोन को अपनी अपीयरेंस चेंज करनी होती है। क्या तुम्हें समझ में आया इसका मतलब क्या है? दैट्स राइट यस वो एक मेगा एवोल्यूशन है। ओके अभी फिर से ऊपर की तरफ जा चुकी है, शायद थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा बट अभी भी आई गेस मुझे पता नहीं अभी भी कितने चैप्टर्स बाकी है इस कहानी के। चलते हैं गाइस यहाँ पर, अभी पता नहीं मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ। ओके आई गेस कि हम जल्दी पहुँचने ही वाले हैं। ओके सो तुम्हें कहानी का एंड कैसे पता हो चलेगा? फिर रेक्वाजा हमें यहाँ से दुनिया से कैसे बचाएगा? ये भी बहुत सारा डिफिकल्ट टास्क है। ओके रेक्वाजा ने फिर से कन्फ्रंट किया उस प्राइमल ग्रोडॉन एंड प्राइमल कायोगर को। वो गोल्डन फिलामेंट्स स्प्रैंग हुए उसके बॉडी से कवर्ड द स्काई। एक एमरल्ड ब्रिलियंस इल्यूमिनेट हुआ उस एरिया में और टेरिबल वाइल्ड रोज। और उसमें से क्या हुआ था मुझे और गाइस आप पेंटिंग देखो ना कैसे यहाँ पे अभी भी ऐसी लग रही है कि ओके तो विंड और वो एमरल्ड लाइटली विजिबल थे उस पावर से फ्रॉम द प्राइमल ग्रोडॉन एंड कायोगर। उन्होंने प्राइमल पावर्स को ड्रेन किया और वो वैनिश हो गए इनटू द डेप्थ ऑफ द लैंड एंड सी। रेक्वाजा उन्हें देख रहा था, उनकी अपीयरेंस यूजुअल, और वो भी अपने पावर अपने वेवंस में चले गया। और ओके वो विटनेस उस इवेंट को हुआ था जिसे कहा जाता है डेल्टा। यस इसे डेल्टा ही कहा जाता है फ्रॉम बाय द बॉन्ड्स ऑफ द मैनकाइंड्स विश। और वो जो पावर स्टोन से मिली है विट विल काम द ट्रबल्स दैट प्लेग द वर्ल्ड। और जब रेकोनॉइड्स कंस्ट्रक्ट हुए थे उस ग्रेट टावर की तरफ एक रेनबो होल्ड हुआ था उस स्टोन से जो ग्रांट किया था रेक्वाजा की उस पावर ने। और वो ट्राई कर रहा था कि रेक्वाजा के नज़दीक जाए उस हेवन से। अगर उस हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाए तो एक माइटी रेक्वाजा को सब कुछ पता था। सब लोग निकल गए और जैसा कि तुम अभी देख ही सकते हो यस वो एक जायंट टावर जो पेंटिंग है इस पास्ट की। ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी रिसेंटली ही है नहीं? हाँ यार मुझे भी ऐसे ही लगा था बट अभी के लिए ऐसा कुछ अभी टाइम है हमारे चैप्टर का हमारी कहानी का लास्ट चैप्टर। ओके सो कहानी का गाइजर लास्ट चैप्टर अभी बाकी है एंड आई गेस कि यहाँ से अगर लास्ट चैप्टर की तरफ गाइजर हम बढ़ेंगे वैसे ही गाइजर हम जो है गाइजर टॉप पर पहुँच जाएंगे इस स्काई पिलर की तरफ। यस हम पहुँच चुके हैं फाइनल चैप्टर की तरफ। ओके हजारों सालों पहले शांति फिर से आ चुकी थी और वो ड्रोकोनाइट पीपल उन्हें सीख लिया था उस लॉन्ग हिस्ट्री के साइक्लिक नेचर को। फोरटोल्ड कि वो मीटियोराइड फिर दोबारा से इस लैंड में आए। वो मीटियोराइड आ गया। दे प्रोफेसाइज विल बी अ ग्रेटर देन दोज दे हैड टू कम बिफोर इट। वो मीटियोराइड उसे तोड़ने के लिए दुनिया हमारा रेक्वाजा काफी है अगर वो सब प्लान के हिसाब से होता है। जो प्लान इवोक किया था रेक्वाजा के लिए द ग्रेट सेवियर वो समन करेगा इस लैंड में बिफोर द मेटियोराइट कुल स्ट्राइक। सो दैट्स इट यह है हमारे रेकोनाइट की कहानी का लास्ट चैप्टर। मैंने काफी ज्यादा टाइम सोचना निकाला है उसे सोचने में कि मैं हैप्पीनेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ एज मेनी एज पॉसिबल।
और मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी नॉलेज और अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा और मुझे एक हेवी विश करनी होगी जो हेवंस तक जा पाए। यस, ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है, नहीं? हाँ यार, काफी ज्यादा क्रिएटिव है। देखना होगा गाइस यार यहाँ पर कैसे रेकवा द समॉन होता है। ओके, तो हम आ चुके हैं गाइस यार एट द टॉप ऑफ दिस। ओ बट मैं सुबह आया था, बट एंड गाइस किस लगता है कि शाम हो चुकी है और आते आते यहाँ पे ओके स्टार्स आपको नजर आ रहे होंगे ना। वो देखो एस्टा, तुम ऑलवेज उन्हें देखते रहते हो। वो लिटियोनाइड्स 1 मिलियन गैदर कर रहे हैं उस काय से, सो शो अभी शुरू होने वाला है। क्या तुम खुश नहीं हो? यस, इससे बेटर हो सकता है डियर एस्टा। ओके, तुम्हारा स्वागत है टेनिसपिला टावर की तरफ। तुम्हें पता है कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ? दैट्स राइट, मैं रेकवाजा को समन करूंगी इस दुनिया। यस, ये सही रहा है, दैट्स राइट, मैं रेकवाजा को समन करूंगी इस दुनिया में टू ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द मीटियोराइट जो होइन की तरफ आ रहा है। यस, यही मेरी ड्यूटी है। जब से मैं छोटी बच्ची थी तब मैं इस आसमान की तरफ देखा करती थी और मैं थोड़ा अनसर्टेनिटी फेल्ट हुआ करता था मेरे हार्ट में जो कि क्रश बाइट, और जब वो ग्रेट फिस्टिकन और जब मैं अकेली हुआ करती थी तब मेरे हार्ट शायद ब्रेक हो जाता था। तो मैं ऊपर की तरफ देखती थी और मैं अपने आंसू कभी नहीं नीचे याद लाती थी। तुम्हारा क्या, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फील हुआ है? हाँ शायद एक दो बार फील हुआ होगा बचपन में। आई हैव राइट, यस, मैं स्टार्स को देखते हुए ऐसे ही सोचती हूँ। मैं और एस्टर, हम दोनों मिलकर इन गुड टाइम्स और इन बैड टाइम्स। यस, आई लव हर विद एवरीथिंग आई हैड, बट आई स्टिल लॉस्ट हर। मुझे उसे देखना है, मुझे उसे फिर से देखना है, मेरी स्वीट एस्टर। यस बट आई विल नॉट, ओके जस्ट अ लिटिल लॉन्गर। ओके सो आई गेस कि अभी गुड नाइट हो चुकी है हमारी। ओके सो यस, गुड मॉर्निंग गाइस, और रात का अभी सुबह हो चुकी है। ओके आई गेस आई शुड से गुड मॉर्निंग। तुम अच्छे सोए राइट? तुम काफी अच्छे नजर आते हो जब तुम सो रहे थे। माफ करना, मैं तुम्हें सोते हुए देख रही थी। ऐसा कोई बात नहीं है यार। इनफ, आई थिंक अभी टाइम आ चुका है। आई गेव इट अ शॉट। मुझे माफ करना, मैं जो मैंने ट्रबल तुम्हें कॉज किया है, अगर कुछ भी हो जाए तुम्हें। ओके हियर आई गो विद द ज्वेल्स ऑफ अ ब्राइट एंड बोरो माइट फ्रॉम द स्पिरिट्स ऑफ द नाइट द थ्रू द सेक्रेट राइट इन द ग्रेट साइट माई लाइफ एज वेल एज आई ऑफर। ओके, द कीस्टोन दैट अजीनिया होल्ड्स आर गिविंग ऑफ अ ब्लाइंडली लाइट। ओके, कुछ हो रहा है क्या? आई समॉन दी टू एड दिस फाइट एंड सेव अस फ्रॉम डिजास्टर। रियलाइज देम अपॉन दिस वर्ल्ड फॉर दिस टू डू। आई समॉन दी रेकवाजा। वही जगह है जहाँ पे गाइस हमारी डेल्टा एपिसोड की शुरुआत हुई थी, आप लोगों ने अगर देखा होगा गौर से तो। ओके सो गाइस, रेकवाजा यहाँ पे समॉन हो चुका है। आई गेस कि अभी वो मीटियोराइड के गाइस छुट्टी हो जाएगी रेकवाजा के आने से। एंड यार मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस ओमेगा रूबी में रेकवाजा को। मुझे लगा कि बस यार ग्रोडोन एंड कायोगर है, बट मुझे डेल्टा एपिसोड के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यस, मैंने कर दिया। यस, अब इस दुनिया को हम बचा सकते हैं। एस्टर, एस्टर, हम ये कर दिखाया। ग्रेट रेकवाजा, यही मेरी विश, अपने मेगा एवोल्यूशन को अचीव करो और अपनी ट्रू पावर को होल्ड रखो। मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ रेकवाजा, तुम इस प्लैनेट को सेव कर सकते हो। ओके, कुछ हुआ क्या? जीनिया कीस्टोन डज नॉट रिएक्ट। क्यों? हाँ, ये कैसे हो सकता है?
मैंने तो सारे के सारे क्रिस्टल्स गैदर किए थे जो कि तुम्हें चाहिए थे, और ये जो समान हो चुके थे तुम आ गए, और अब क्यों? ओके, कुछ हुआ है क्या? कम ऑन करो, मेरी गाय वॉल वाह क्यों नहीं कर सकते? ओके, जीने की स्टोन डज नॉट रिएक्ट। अरे वाह है। अरे गाइस यार, क्यों ऐसे हो रहा है? हाँ क्या ये नहीं हो सकता? द वन विदाउट इनफ पावर तुम हो, रेक्वाजा। वो मीटियोराइट्स जो कि अभी तक आ चुके थे उस रेक्वाजा के बारे में, क्या इनफ नहीं थे? जो हजारों साल बाद तुम्हारी पावर ड्रेन हो चुकी है। शिट, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया आज तक। एस्ट, मैं नहीं और कर सकती। नजर कुछ तो हो चुका। ए, कुछ क्या हुआ? ओके, हमारा मीटियोराइट सडनली यहाँ पे ग्लो होने लग गया। अरे हाँ यार, जो मीटियोराइट हमें गाइस पहले मिला था वो भी ग्लो हो रहा है, बट पता नहीं अभी इसका वजह क्या है। दैट्स ओके, हमारा मीटियोराइट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। एंड अभी क्या हुआ? वो मीटियोराइट वो तो एक मेगास्टोन की तरह लग रहा है। ओके, आई गेस कि रेकवाजा की फिर से पावर वो चाहता है वो मीटियोराइट को। एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस। ओके, रेकवाजा ने हमारे मीटियोराइट को स्वॉलो कर दिया है, एंड आई गेस कि अभी वो फुल पावर में जा चुका है। आई दो ऑन दो गाइस। ओके, लाइट इज स्पिलिंग फोर्थ फ्रॉम द विद इन द रेकवाजास बॉडी। ओके, आई गेस कि रेकवाजा अपनी फुल पावर में दोस्तों गाइस आ चुका है, तो जिनिया तुम अब जा सकती है उसे उसी के साथ उस यहाँ पर स्काई पर। ओके, जो मीटियोराइड उसने सॉल्व किया उसके पास मेगा स्टोन जितनी ही पावर थी। मीटियोराइड समान हो चुका है टू द फोर तक यार, रेकवाजा को उसके मेगा पावर की जरूरत थी। ओके, यस, ये अमेजिंग है ध्रुव। रेकवाजा चाहता है कि और पावर बिल्ड करे, वो चाहता है कि तुम उस पावर का इस्तेमाल करो। व्हाट? अब कुछ सब कुछ अपना अपने दांव पे लगा दो और रेकवाजा को हासिल करो, तुम्हें उसमें मास्टर करना होगा। लेजेंडरी पोकेमोन ह्यूमन के व्यूज से हमारा ग्रेट प्रोटेक्टर है। ओके, और तुम ही हो जिसे अभी उसे डायरेक्ट कर सकते हो। यस, तुम ही हो, तुम्हें ये करना होगा। ओ भाई साहब, गाइज यहाँ पे अभी हमें रेकवाजा को कैच करना है। शिट, सो गाइज हियर वी गो, ध्रुव द गेमर वर्सेस डी रेकवाजा। जी हाँ गाइज, यार मुझे लगा नहीं था कि मुझे रेकवाजा को कैच करने का मौका मिलेगा, बट हाँ गाइज, यार मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ बिफोर कैचिंग दी रेकवाजा। आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैंने अपना जो आप लोगों ने अपना मास्टर बॉल से वो रेकवाजा के लिए स्टोर किया है, बट मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा कि अगर आपके पास एक भी गाइज इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन हो अगर एंड वो अगर पैरालाइज एबिलिटी जानता हो पैरालाइजेशन करने की, तो प्लीज़ गाइज आप उसे ही लेकर आइएगा, क्योंकि गाइज यार रेकवाजा काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर देखा जाए तो पकड़ने के लिए, रादर देन दैट अगर कोई दूसरा पोकेमोन अगर आप कहीं सर कैच करना चाहोगे। बस गाइज़ आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे कि गाइज़ यहाँ पर अभी रेकवाजा पैरालाइज हो चुका है, अभी मैं बस एक छोटा सा जो है उसको थंडर देने वाला हूँ, एंड देन गाइज़ हम उसे जो है वो कैच करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ गाइज़, थंडर मैंने दे दिया है, ड्रैगन पल्स से भले ही यहाँ पर अपना बोल्ट डाउन हो जाएगा, बट मुझे कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि गाइस अभी मैंने यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ अपने ब्लेड को। एंड यस, वी आर गोइंग टू ट्राई दी अल्ट्रा बॉल। यस, मेरे पास टोटल आई गेस के 35 अल्ट्रा बॉल्स पड़े हैं, उनका अगर मैं इस्तेमाल करूँगा अच्छे तरीके से 35 पड़े हैं। चलो यार अच्छी बात है, तो गाइस अभी मैं इसका इस्तेमाल कर देख लेता हूँ। आप देख ही सकते हो मैंने मास्टर बॉल ना गाइस कल वाले एपिसोड के लिए बचा के रखा हुआ है। एंड यस गाइजर, यहाँ पर हमने सक्सेसफुली एक ही अल्ट्रा बॉल से गाइजर हमने रेकवाजा को गाइज कैच कर दिया है। यस, ऐसा दिमाग आप लगा दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। ओके, यहाँ पर हमारा रेकवाजा भी रजिस्टर हो चुका है पोकेडेक्स में। ओके, रेकवाजा इज सेड टू हैव द लीव फॉर 100 ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स।
लेजेंड्स रिमेन टू हाउ टू पुट इट अ रेस्ट ऑन टू द फाइट ऑफ द रेडन गुरुडोन एंड रेक्वाजा गुरुडोन एंड कायोगर। ओके सो कायोगर हमने पकड़ लिया है। ओके रेक्वाजो को हमारे पार्टी में ज्वाइन होना है। तो यार अभी मैं अपनी किसको रखे यार, एज यूजुअल हम रखेंगे गाइस यार इरप्ट को। यार इरप्ट बोल रहे कि यार कोई इज्जत ही नहीं है यार उसके टीम में, मतलब कि यार उसने हमारी एक एलिट फोर्स में मदद की थी, बट फिर भी गाइस यार मैंने उसको अभी पीसी में डाल दे रहा हूँ। तो चलो यार अभी के लिए ना मैं इस एपिसोड को गाइस यार यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ। आई गेस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर हो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आप लोगों से सीधा मिलता हूँ पोकेमॉन ओमेगा रूबी के अगले एपिसोड में कल होपफुली। तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।